डिप्टी स्पीकर के लिए रामकुमार और कृष्ण मिड्डा का नाम चर्चा में है, जबकि स्पीकर पद के लिए हरविंदर कल्याण का नाम लगभग तय माना जा रहा है। नई सरकार के पहले, सरकार के गठन के पहले ये बड़ा सत्र माना जा रहा है, चूंकि रोचक होता जा रहा है ये और ज्यादा सत्र, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के अब संशय बना हुआ है। डिप्टी स्पीकर को लेकर के संशय ज्यादा बना हुआ है, कौन बनाया जा सकता है डिप्टी स्पीकर? और देखिए, नई सरकार के गठन के बाद हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र है और पंद्रहवीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों का शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है कुछ देर बाद ही। जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई है, रघुवीर कादियान प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रघुवीर कादियान को शपथ दिलाई है। तो अब जो है पद और गोपनीयता की शपथ का जो कार्यक्रम है विधायकों की, वो शुरू हो रहा है और इसमें काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि इसमें जो विधायक हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं और जो करीब 40 विधायक पहली बार शपथ लेकर नजर आएंगे, तो ये जरूर ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें ये चर्चाएं हैं कि जो स्पीकर पद है वो हरविंदर कल्याण को मिल सकता है, घरोड़ा से विधायक है वो बीजेपी, और ऐसे में उनका ये स्पीकर चुना जाना तय माना जा रहा है। हालांकि कुछ चौंकाने वाला फैसला है, वक्त का क्या बीजेपी करेगी इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर पद के लिए कृष्ण मिड्ढा या फिर राजकुमार कोतम, इनके नाम चर्चाओं में है। अमूमन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के नेता को जाता है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी चर्चाएं चल रही है वो सत्ता पक्ष के विधायक की चल रही है। तो ऐसे में संकल्प बना हुआ है कि क्या इसको लेकर नाम सामने आता है, क्योंकि विधायकों के शपथ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। तो माना जा रहा है कि इस दौरान जोरदार खींचतान देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस जनादेश को कांग्रेस नकारती रही है। और ऐसे में आज जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद को नाम को लेकर के संशय जरूर बना हुआ है। हालांकि अब देखना ये होगा कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, नाम पे किसके नाम पे मोहर लगती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस दौरान 40 विधायक ऐसे जो पहली बार शपथ लेंगे, जिसमें युवा विधायक भी है जिनको पहली बार सदन में जाने का मौका मिलेगा। देखिए बिल्कुल, और इसमें 23 जो विधायक हैं पहली बार चुनकर आए हैं बीजेपी की ओर से, वो शपथ लेते नजर आएंगे। 13 विधायक कांग्रेस की ओर से जो पहली बार शपथ लेंगे, तो कुल मिलाकर देखिए अगर अन्य दलों के भी कुल मिलाकर 40 विधायक के आसपास की जानकारी मिल रही है कि वो पहली बार शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर यह सदन जो है युवा नेताओं अनुभव की भागीदारी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से चुनावी मुकाबला रहा और हमने देखा कि इस मुकाबले में जो बीजेपी की चौंकाने वाली जीत रही, उसके बाद जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ है, जातीय समीकरण साधे गए हैं मंत्रिमंडल में, और जिस तरीके से अन्य जो अब विधायकों को जिम्मेदारी दी जानी है, अलग अलग निगम बोर्ड और अलग अलग पदों पर उनको लाया जाना है, ऐसे में उन पर भी निगाहें रहेंगी। तो शपथ का जो कार्यक्रम है अल्फाबेट क्रम के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वरिष्ठता के क्रम में मंत्री पहले शपथ लेते हैं। तो ऐसे में उनके शपथ कार्यक्रम के बाद जब विधायकों की बारी आएगी तो अल्फाबेट क्रम में ये होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जो उसके बाद सत्र बुलाया जाना है विधायक कामकाज के लिए, वो नवम्बर में बुलाया जाएगा, ये चर्चाएं हैं, उसकी तारीख तय की जाएगी और तब निश्चित तौर पर असली जो राजनीतिक लड़ाई है सदन के अंदर वो उभर कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल प्रदीप जी, इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान को लेकर के भी जिक्र किया जा रहा है, उनको भी दिलाएंगे राज्यपाल।